अभियुक्त अरेस्ट हुआ है, क्या है पूरा मामला और किस मामले में वांछित चल रहा है? देखिए, अक्टूबर 2018 को एक डबल मर्डर की घटना हुई थी, जिसमें दो लोगों की हत्या की गई थी और अगले दिन 2 तारीख को उसकी बॉडी मिली, दोनों लोगों की बॉडी मिली थी। उस प्रकरण में एक अभियुक्त जो बचा हुआ था, 50,000 रुपये का उसके ऊपर इनाम था, उसकी गिरफ्तारी हुई है और एक तमंचा मौके से बरामद हुआ है। ये हत्या पैसे के लेन देन को लेके और की गई थी। थाना ग्रेटर नोएडा थाना प्रभारी द्वारा ये जो है गिरफ्तारी की गई। नहीं तो सर, जो जिनकी हत्या की गई थी, महेश और बब्बल की, उनका इससे क्या रिलेशन था, कितने पैसे का लेन देन था? देखिए, पैसे का लेन देन तो बहुत ज़्यादा अमाउंट में नहीं था, लेकिन इनका आपस में उसी को लेकर झगड़ा हुआ था। इनकी जान पहचान थी, अपने दो साथियों के साथ मिलकर ये अभियुक्त हत्या में शामिल था और एसओसाइट फाइल द्वारा इसकी गिरफ्तारी की गई। हत्या कैसे की गई, हत्या कैसे की गई और बॉडी कहाँ डिस्पोज की? ये अगले दिन बॉडी रिकवर हुई थी और इसमें कानून व्यवस्था संबंधी भी समस्या आई थी, ग्रामीणों ने जाम वाम वगैरह लगाया था, सेंसेशनल इसमें डबल मर्डर हुआ। सर, कैसे हत्या कैसे की गई थी? हत्या इनकी गोली मार के जो हत्या की गई थी और उसमें मारा भी गया था, पीट पीट के लाठी डंडों से भी काफी मारा गया। सर, कितने का इनाम था इस पे? 50,000 रुपये। सर, बरामदगी भी हुई है? एक तमंचा बरामद।